पैसों की चिंता मत करो, वकील की फीस, कोर्ट का खर्च, वो सब मैं दूंगी। लेकिन गरीबों की कहां कोई सुनवाई होती है? इसीलिए तो वरना तुम ही सोचो, डॉक्टर राहुल की बदनामी मेरी संजीवनी की बदनामी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दे रही हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि कम से कम इस बार गरीबों की सुनवाई हो। दीपक, तुम नहीं जानते कि तुम ऐसा करके इंसानियत पे कितना बड़ा एहसान कर रहे। जब लोग ये सब न्यूज में देखेंगे, उन्हें जब ये खबर पता चलेगी, तो उनमें भी हिम्मत आ जाएगी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की। देखो दीपक, तुम्हारी मां की आत्मा को भी तभी शांति मिलेगी जब तुम उनके गुनहगारों को सजा दिलाओगे। तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम ये अपने लिए कर रहे? तुम तो ये सब अपनी मां के लिए कर रहे है ना? बताइए मुझे करना क्या होगा? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूं सब कुछ। मिस्टर मेहता, दीपक को अच्छी तरह से सबको समझा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर राहुल संजीवनी के बहुत ही जिम्मेदार डॉक्टर हैं। जी मैडम। चित्रा मैडम, आप डॉक्टर राहुल के बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन चित्रा, अब हम कर ही कह सकते हैं, दीपक उन पे केस कर रहा है ना। नहीं मैडम, मैं दीपक जी से बात करूंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी। हाँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में गवाही दूंगी। गवाही? हाँ गवाही कि वो खुद अपने माँ को बिना डिस्चार्ज लिए यहाँ से ले गए थे। अब इसमें राहुल सर की क्या गलती है? हाँ, और वो रिक्शा वाला भी तो था जो उन्हें ले गया था, है ना? अब बताइए, कोई कुछ बिगाड़ सकता है राहुल सर का? नहीं चित्रा, तुम्हारे होते हुए डॉक्टर राहुल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? चलो मैं बात। आज संजीवनी में बाहर से दो ही डॉक्टर आए थे, बाकी सभी ऑपरेशन संजीवनी के डॉक्टर ही किए हैं। कॉफी पियेंगे? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। आई हैव अ गुड न्यूज़ डॉक्टर। वो क्या है ना, मैंने डिसाइड किया है कि मैं डॉक्टर राहुल के खिलाफ कोई केस नहीं करूंगी, मैं उन्हें सून नहीं करूंगी। अब देखिए ना, मैंने सोचा कि मैं यहां बिजनेस करने आई हूं, मुझे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, किसी से जाति दुश्मनी थोड़ी ना है मेरी। वही तो सिमरन जी, वही तो मैं कब से आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, आप संजीवनी में प्रॉफिट कमाने आई हैं ना, तो राहुल को तकलीफ पहुंचाए बिना भी आप बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकती हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच सिमरन जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। हेलो, या पापा? नहीं नहीं पापा, हाउ कैन आई गो फॉर अ हॉलिडे? मैंने अभी अभी तो अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है। जी जी नहीं पापा, इस बार मैंने हार की कोई गुंजाइश नहीं रखी। अब देखिए, संजीवनी की ताकत है तीन शख्स, डॉक्टर शशांक, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर चूही। अगर संजीवनी पे काबू पाना है तो इन लोगों को जड़ से हिलाना होगा। पापा, डॉक्टर शशांक का नाजायज बेटा करण, डॉक्टर राहुल को इतना प्यार करने वाला उनका प्यारा भाई रजत, और डॉक्टर चूही के लिए वो खूबसूरत सी नर्स चित्रा।
नहीं पापा, अब की बार मैं नहीं हारूंगी। I love you too, पापा, and I know, आपकी बेटी, I'm a genius. Bye. चित्रा, कहाँ चूही के लिए खाना ले जा रही हूँ? जी हाँ, मैं ले जाती हूँ। तुम राहुल को हेल्प करो ना, उसे बहुत काम है। नहीं मैडम, ये भी तो मेरा ही काम है। कम ऑन चित्रा, मैं इतने दिनों से जूही से नहीं मिली हूँ। अभी हम लोग बैठकर बात करेंगे, उससे अच्छा लगेगा, क्यों? लेकिन चित्रा, प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। और तुम राहुल के पास जाओ, ठीक है? गुड आफ्टरनून जूही, कैसी हो तुम? आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती थी। जानती हो तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे लिए खाना जो लाना था वो तुम्हारी नर्स चित्रा राहुल के साथ चली गई ना, इसलिए। वैसे जूही बहुत प्यारी नर्स है तुम्हारी, खूबसूरत तो है ही और साथ में दिल की भी बहुत अच्छी, कितना अच्छा लगता है उससे मिलकर। अरे हाँ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, अब राहुल को कुछ नहीं होगा। राहुल को क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता, वो एक्चुअली राहुल के हाथों एक पेशेंट की डेथ हो गई थी और उसका बेटा राहुल पे केस करने वाला था, लेकिन तुम चिंता मत करो। हाँ जूही, वो सब चित्रा ने संभाल लिया। हाँ, उसी की वजह से तो केस रुक गया। आजकल तुमसे ज्यादा वो राहुल का ख्याल रखती। अरे तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है जी, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, दाल रोटी। जानती हो जब चित्रा ने उस आदमी के पैर पकड़ पकड़ के रो रो के ये कहा कि मेरे राहुल को कुछ नहीं करना, मेरे राहुल को कुछ नहीं करना, तो फिर वो आदमी का दिल तो पिघलना ही था ना। बस उसी के वजह से उस आदमी ने राहुल पे केस नहीं किया। बहुत गलत है। लेकिन जूही, खाना वाना खाया कर, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, कितनी थकी हुई लग रही हो। और फिर औरत अगर बीमार भी हो तो उसे अपनी खूबसूरती पर ध्यान देना चाहिए जूही, आफ्टर ऑल मर्दों का क्या भरोसा। अब मैं चलूं, खाना खा लेना। हाँ बाय। तुम बिल्कुल नहीं बदली थी। आइंदा जूही के कमरे में कदम भी मत रखना। तुम भी तो नहीं बदले रहा, अभी भी अपनी बीवी से बातें छुपाते। समझना, कहीं तुम्हारी ये शादी भी खराब ना हो। खाना नहीं खाया, दवाई भी लेनी है। राहुल, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता।
राहुल, मैं सिर्फ देख नहीं सकती, सुन सकती। तुम अपनी प्रॉब्लम्स एक नर्स के साथ शेयर कर सकते हो, मेरे साथ नहीं। चुगी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? राहुल, तुम्हारे और चित्रा के बीच में क्या है? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या सोचने लगे? यही कि रिश्तों में सवाल क्यों पैदा हो जाते हैं। जो ही मैं सोच भी नहीं सकता था कि सिमन की बातों का तुम पर इतना असर होगा। जो ही प्लीज, अपनी सोच को शक के रास्ते पे मत चलने दो। तुम सिमन को जानती हो, तुम जानते हो कि वो क्या चाहती है, फिर भी तुम ऐसे सवाल पूछो जिनका कोई मतलब नहीं है। सर, आप यहाँ पर है, लेकिन आई एम सॉरी, इस वक्त आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जूही मैडम के सोने का वक्त है। चलिए मैडम, थोड़ी देर के लिए सो जाइए। रहने दो, मैं खुद लेट जाऊंगी। ये तो टूट गया, इसे जोड़ना पड़ेगा ना। कोई जरूरत नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।